तो मॉर्निंग के साथ जवान से लेके पठान और पठान से लेके भाईजान तक की खबर फैल चुकी है कि भाई जवान के रिकॉर्ड टूटने वाले नहीं है। भाई कहीं पे भी आप लोग अगर जाते हैं तो जवान का नाम लेकर ही जाते हैं। एंड यार ये जवान मूवी ने ना इतना सिलसिला फैला रखा है कि यार इसके टिकट तक नहीं मिल रहे यार। लेकिन यार बात मैं करने वाला हूँ जवान की कुछ ऐसे अच्छी बातों के बारे में जिनको सुन के आप लोगों की नींद जरूरी उड़ जाने वाली है। यार जवान मूवी ने यार जो है सोशल मीडिया को खिला रखा है सोशल मैसेज के थ्रू, यानी कि उसने बैंक नहीं लूटा, ना किसी का घर लूटा है, ना कोई दुकान लूटी है यार। उसने तो यार लोगों के दिलों को ही लूट लिया यार। जहाँ यार लोगों ने जहाँ पे ताली बजाना स्टार्ट किया है वहाँ पे जवान का बॉक्स ऑफिस खड़ा हुआ दिखाई दिया है। यानी कि यह पठान भी बन गया है जवान और जवान बन जाएगा भाई यार। तो ये बातें तो होती रहेंगी यार। तो आप लोगों को पता होगा कि यार कुछ ऐसे सोशल फैक्ट्स के बारे में जो उठाया हुआ एक कदम है जवान का, उसने फैन के द्रो में एक अलग ही जगह बना ली है। एंड इसमें इतनी सारी डिटेल्स नहीं, इतनी अच्छी अच्छी लॉजिक के साथ इस मूवी को खड़ा कर दिया है कि इसको हिलाने वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है यार, लेकिन SRK के रिकॉर्ड बनते हैं SRK की मूवी को ही तोड़ने के लिए। तो SRK ने एक बार फिर से क्रिएट कर दी है हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, मेंटली फिजिकली सब कुछ हिला के रख दिया है। एंड लोग इमोशन को तो इतना बाहर निकाल दिया है कि वो लोग यार गदर के बाद से ही पठान के और जवान के नारे लगा रहे हैं। तो अब जहाँ जय किसान जय जवान होने लगा है तो वहीं पर शाहरुख खान का नाम भी होने लगा है ना ज़्यादा। तो आप लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान ने जो सोशल मुद्दे उठाए थे, चाहे वो हॉस्पिटल को लेके हो, चाहे मंत्रिमंडल को लेके हो, चाहे देश को वोट डालने के खिलाफ हो, इस सब चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड लोगों को काफ़ी कनेक्ट भी कर पाए हैं। एंड बहुत टाइम के बाद ऐसी हिस्ट्री रचने वाली मूवी हमें देखने को मिली है जो पॉपकॉर्न के साथ तो देखी जा सकती है लेकिन फैमिली के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ, पूरी सोसाइटी के साथ एंड पूरे देश के साथ भी देखी जा सकती है। तो इसको बार बार देखने का मन तो करेगा ही सबका, लेकिन यार इसमें जितने बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिनको विजुअली देखना काफ़ी अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव करता है माहौल। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जिसको डिस्कस करने में अभी भी मज़ा तो आता है, लेकिन यार क्या करें, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते ना, तो ऐसी बातें तो करनी ही पड़ती हैं छोटी छोटी। काफ़ी मूवी मसाला होने के साथ मास मूवी है एंड इसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलता ही है। इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशन सीन है, यानी कि मसाला भर भर के रखा हुआ है। तो आप लोगों को अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वोट करिए जाकर ट्विटर पर #jawantool किए एंड इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे के साथ प्रचार करिए क्योंकि ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर होकर रहेगी। एंड जो हेटर्स हैं उनके नाम के जो झंडे लोगों ने काट रखे हैं एंड उनके पुतले वैसे ही जलने वाले हैं, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा समाचार मिल गया होगा कि यार जवान का 3rd day कलेक्शन उनसे छप्पड़ फाड़ के निकलवा देगा, यानी ये तो 150 crore के पार भी जाने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना एंड यार इसमें बहुत सारी डिटेल और बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं तो वो एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एंड इसके फैक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आपकी मॉर्निंग को इवनिंग में और इवनिंग को मॉर्निंग में बदल देगा। एंड ऐसे इस वीडियो को विराम देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है एंड आप लोग हेट कर सकते हैं उस वीडियो को एंड इस लाइक का बटन दबाओ। इससे पहले मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।